हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैच अप जा ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 18,790 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बनाता है 18,728 का, और जो हमारा रजिस्टेंस था 18,700, वहां पर आप लोगों का काफी का डाउट आ सकता है कि सर जब हमारे रजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट खुल जाती है तो वो स्पोर्ट बन जाती है। आप लोग सही हो, वो स्पोर्ट बन जाती है, लेकिन उस स्पोर्ट के ऊपर एटलीस्ट एक घंटा मार्केट को सस्टेन करना जरूरी था, और जहां पर मार्केट एक मिनट भी उसे सस्टेन नहीं कर पाई थी और वो सीधा नीचे की साइड आ जाती है, और मार्केट का वहां पर लो बनता है 18,591 का, और जहां से मार्केट फिर से ऊपर की साइड आती है और फिर वहां पर मार्केट 18,700 के लेवल पर जाकर और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करते हुए 18,700 को नीचे की साइड आती है। अगर हम कहें आज 120-30 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा दी थी, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी के साथ अगर हम FII और DII डाटा की बात करते हैं तो आज के दिन FII ने 1100 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DII ने 2600 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर काफी बड़ा है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी जाती है, वहां पर भी जो भी चीजें डिस्कस की जाती हैं वो मेरी पर्सनल ट्रेड्स होती हैं, जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव ही होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या म्यूचुअल फंड स्टार्ट करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जिसे आप भर के सबमिट कर सकते हो, टीम आपके साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ आज के दिन आ रहा है दो IPO का अलॉटमेंट स्टेटस, धर्मज क्रॉप गार्ड IPO का और इसी के साथ साथ बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का, जो कि SME IPO था, जो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर ही डिस्कस हुआ था। और जिस दिन अच्छे IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आता है ना, तब वहां पर बेचैनी बढ़ जाती है कि कब आएगा स्टेटस, कब मेरे पैसे कटेंगे या रिफंड आएगा ताकि मुझे शांति मिल जाए, मुझे अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूं, देखो अगर IPO आप लोगों को मिले या ना मिले, अगर IPO आपको अलॉट हो जाता है तब तो आप लोग खुश हो जाते हो, अगर नहीं मिलता तब हम लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते जब तक IPO लिस्ट नहीं होता, चाहे हमें IPO मिला हो चाहे ना मिला हो। इसलिए बिना फालतू में हम अपने माइंड पर स्ट्रेस दें कि कब आएगा, पूरी पूरी रात जागे, जिससे हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है और उसी के साथ साथ हमारा पूरा दिन मूड भी उखड़ा उखड़ा सा रहता है। देखो हमारे लिए ना स्टॉक मार्केट 3:30 बजे ओवर हो जाती है, उसके बाद हमें हमारी रियल लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। अगर हम उसके बाद भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते रहेंगे तो बिना फालतू में ना हम हमारी फैमिली के साथ भी बात नहीं कर पाते, दोस्तों के साथ इंजॉय नहीं कर पाते, और इसी के साथ साथ ना हम अपनी सेहत को भी थोड़ा मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। बाय द वे, धर्मज क्रॉप गार्ड का अलॉटमेंट स्टेटस हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर पता लगेगा, और इसी के साथ बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का अलॉटमेंट स्टेटस हमें पूर्वा शेयर की वेबसाइट पर पता लग जाएगा। इसी के साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलने वाला है 18,600 की, जहां हम कहें कि आज के दिन का जो लो था 18,591 का वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। मेजर सपोर्ट काम करेगा 18,400 से 450 की रेंज, और इसी के साथ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 18,800 का लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेकिन अगर कल मार्केट के सेकेंड हाफ में हमें 18,800 का लेवल क्रॉस होते हुए मिला तो वहां पर हमारे लिए 90,000 के लेवल ओपन हो जाते हैं। इमीडिएट नहीं कह सकता, हो सकता है एक दो दिनों में हो जाए, लेकिन 18,800 के लेवल को क्रॉस होने के बाद ही हमारे पास नेक्स्ट मूव के लिए मार्केट रेडी होने वाली है। और इसी के साथ ना इवेंट्स आ रहे हैं अपकमिंग डेज में, तो हम डाटा या फिर मार्केट के लेवल्स के बेस पर मार्केट को नहीं बोल सकते कि मार्केट कहाँ जा सकती है। मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो एकदम से हमें तेज करेक्शन देखने को मिल सकती है, और अगर हमें वहां पर मार्केट में हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिली, हल्की फुल्की करेक्शन का मतलब ये नहीं है आराम से टूटेगी, अगर मार्केट को टूटना हुआ तो एकदम से ही टूटेगी, और हमारे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे 18,000 की रेंज, वहां तक अगर मार्केट आती है
तो वो तो हमारे लिए एक बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहां पर हमारे पास काफी सारे स्टॉक्स भी नजर में आ जाते हैं। अगर मार्केट में ऐसा होता है तो वहां पर ब्रॉडर मार्केट में भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी पिटाई हो सकती है। लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक अगर अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट या फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो वहां पर हमारी नजर रह सकती है। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट अप ट्रेंड में है। मैं इतनी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरने ही वाली है, बिकॉज कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, तो उस इवेंट्स को नजर में रखते हुए मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी वो हमको नहीं मालूम होता, वो मार्केट ही तय करेगी। लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मार्केट नीचे की साइड ही जाएगी। और अगर हमें वहां पर इवेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो हो सकता है कि मार्केट एकदम से ऊपर की साइड भी हमें देखने को मिले। अगर हम ऑप्शन बाइंग में कैरी करके काम करते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, अदरवाइज इंट्राडे पर हमारा जो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है उसके ऊपर हम इजिली हमारे लेवल्स पर काम कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।